हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास का एक्सरसाइज 15.3। 15.3 हमारा एक ट्रेपेजियम के फार्मूले के ऊपर डिपेंड है। बस उसमें ट्रेपेजियम का फार्मूला यूज़ करके हम उसे एरिया निकालना है। स्टार्ट करने के पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। चलिए फार्मूला देखते हैं हम। यह हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जी एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। इसकी पैरेलल साइड कौन है, एक ए बी है और एक डी सी है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और इसकी हाइट हमने क्या लिया है, ए एम। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन है, ए बी और डी सी। तो ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट क्या हमने लिया है, ए एम। तो कुछ इस तरह फार्मूला। अब इसी फार्मूले का यूज़ करके हम 15.3 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15.3। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ डी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। देखिए यहाँ पे वैल्यू दी गई, जो हम थोड़ा लिख देते हैं, ए बी का लेंथ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यह हमारा 13 सेंटीमीटर है, और डी सी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और इसकी जो परपेंडिकुलर साइड है जो ए डी है यह दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला हमने बताया, ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो चलिए उसी फार्मूले से हम कर लेते हैं। पहले लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाफ इंटू पैरेलल साइड हमारी कौन सी है, एक ए बी है एक डी सी है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट क्या है जो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे दिया है, ए डी। ए डी लिख लेंगे, हाफ इंटू ए बी कितना दिया है 13 प्लस 9 इंटू ए डी हमारा 8 है, 8 को चाहे तो हम कैंसिल करते हैं, कितना आ जाएगा 4, 13 प्लस 9 इट विल बी 22 इंटू 4, 22 का 4 में इंटू करते हैं आएगा हमारा 88। और एरिया हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं, तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो चलिए हम यहाँ पे जो दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, ट्रेपेजियम्स आर 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है, हाइट हमारा दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया का हम फार्मूला लिख देते हैं। एरिया ऑफ इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सी हमारी हैं, एक दिया हुआ है 8.5 प्लस दूसरा दिया है 11.5 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 4.5, हाफ इंटू इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने का तरीका 8.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा, आगे का आगे पीछे पीछे, इधर 5 इधर पे 11, इसको ऐड करते हैं 0.5
यहाँ पे नाइन, यहाँ पे हो जाएगा जीरो टू, मतलब कितना आ गया 20 इंटू 4.5, 20 को 2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 इंटू 4.5, 4.5 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 45, और यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो हम एरिया लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज आइसोसेलेस ट्रेपेज़ियम। आइसोसेलेस मीन्स इसकी दो जो साइड्स हैं दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब PS इज इक्वल टू QR दिया हुआ है, एंड लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमने लिख दिया है, PQ 7 सेंटीमीटर है, एंड से PM इज परपेंडिकुलर ऑन SR, लेंथ ऑफ SM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 4 सेंटीमीटर, मतलब दोनों साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये भी तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, दोनों 4 सेंटीमीटर होंगे, एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, हमें PQRS का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ये ट्रेपेज़ियम है, ट्रेपेज़ियम के लिए क्या है एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, देखिए लेकिन एक पैरेलल साइड यहाँ पे PQ है और दूसरी कौन है SR है, PQ का तो वैल्यू 7 दिया है लेकिन SR का वैल्यू 7 नहीं दिया है, अब SR का हमें निकालने के लिए वैल्यू देखिए क्या निकालना है, SM दिया हुआ है, MN यह 7 है तो यह भी कितना हो जाएगा 7, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, 7 हो गया, लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा NR, अब NR निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को जो ट्रायंगल PMS दिख रहा है उसको हम QNR के इक्वल कर देते हैं, यह ट्रायंगल इसके अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो SM किसके इक्वल हो जाएगा RN के, और यह 3 दिया तो यह भी कितना हो जाएगा 3, और हम इस तरह SR की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और इंटू हाइट, हाइट रहता है उसमें, हाइट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, बस हमें क्या निकालना है SR की वैल्यू फाइंड करनी है, SR के लिए हमें NR चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है कि PM किसके ऊपर परपेंडिकुलर है SR पे, और QN भी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है SR पे, लिख देते हैं सेग PM इज परपेंडिकुलर ऑन सेग SR, सेग QN इज परपेंडिकुलर ऑन सेग SR, सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन आर कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट, मतलब इक्वल रहता है, सो देयरफॉर PM इज इक्वल टू किसके हो जाएगा QN के, और दोनों के वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, यह दोनों 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यह जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है यह क्या है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल होती है, क्वाड्रिलेटरल PQN M इज ए रेक्टेंगल, सो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर अपोजिट साइड, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, इस तरह हमने यहाँ पे MN भी निकाल लिया और SM दिया ही, अब हमें क्या निकालना है NR, NR कैसे निकलेगा, जब यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल आपस में क्या होंगे इक्वल, और इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल PMS एंड ट्रायंगल QNR, फर्स्ट पॉइंट ये है कि PS किसके इक्वल है QR के, सेग PS कॉन्ग्रुएंट सेग QR, इट इज गिवन दिया हुआ है, और यह एंगल 90, ये भी एंगल 90 है, एंगल PMS इज कॉन्ग्रुएंट एंगल QNR, दोनों के इक्वल है ईच ऑफ 90 डिग्री, और एक साइड भी यहाँ पे देखिए इक्वल है, जो मैंने आपको बताया था PM किसके इक्वल है QN के, बिकॉज दोनों का लेंथ क्या है सेम है, और दोनों डिस्टेंस किसके बीच में है पैरेलल साइड के बीच में, लिखते हैं हम यहाँ पे सेग PM कॉन्ग्रुएंट सेग QN, सो देयरफॉर ट्रायंगल PMS
कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ट्रायंगल क्यू एन आर। यह दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। जब दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होती हैं, इक्वल। सो देयर फोर सेग एम एस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी सेग एन आर के, बिकॉज लेंथ ऑफ एस एम इज इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर। सो देयर फोर अगर एस एम या तो एम एस दिया है 3 सेंटीमीटर तो एन आर भी कितना हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। सो देयर फोर लेंथ ऑफ एन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना क्या था, एस आर। अब एस आर के लिए हमें यह 3 सेंटीमीटर दिया है, यह 7 सेंटीमीटर दिया है, और इसको हमने कितना निकाला है 3 सेंटीमीटर। सबको ऐड कर देते हैं बिकॉज ये क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर है। तो एस आर इज इक्वल टू एस एम प्लस एम एन प्लस एन आर, बिकॉज यस यम यन ये सब तीनों चारों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। एस एम कितना दिया हुआ हमारा 3 + 7 + 3, ऐड कर देते हैं 10 13 13 सेंटीमीटर। मतलब जो सेकेंड पैरेलल लाइन थी उसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 13। अब हम क्या लगते हैं, ट्रेपेज़ियम का फार्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन है, पी क्यू और एस आर। फार्मूला चाहे तो हम लिखना है तो लिख सकते हैं, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। पहली पैरेलल साइड हमारी कौन है, पी क्यू है, प्लस दूसरी वाली एस आर, और हाइट हम किसको ले लेते हैं, पी एम को। हाफ इंटू पी क्यू प्लस एस आर, देखिए पी क्यू प्लस एस आर, पी क्यू कितना है 7, प्लस एस आर हमने कितना निकाला है 13, इंटू पी एम कितना है 4। 4 को हम 2 से कैंसिल किए तो 2 आएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 20 × 2, ये हमारा आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 15.3 खत्म हुआ। यह एक्सरसाइज बहुत ईजी था। हमारी वीडियो कैसी आपको लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन।